राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। हाल ही में भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईशा अंबानी की शादी की। जी हां, ईशा की शादी आनंद पीरामल के साथ हुई है। शादी के सभी कार्यक्रम उदयपुर में शाही तौर तरीके से पूरे किए गए थे। वहीं 12 दिसंबर को ईशा ने आनंद से अंबानी हाउस एंटीलिया में साथ फेरे लिए। शादी के एक महीने बाद ईशा अंबानी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में शिरकत की, जिस दौरान ईशा ने अपने पति के बारे में कई खुलासे किए। जी हाँ, इस दौरान अपनी शादी के बारे में बात करते हुए ईशा ने कहा, मुझे अपनी शादी में बहुत मजा आया, लेकिन आनंद को इन चीजों में खास रुचि नहीं है। वो मुझसे ज्यादा आध्यात्मिक है, लेकिन हम दोनों में कुछ समानताएं भी हैं। हम दोनों को ही अपने परिवार से प्यार है और हम दोनों ही फूली हैं। ईशा कहती हैं, मेरे पिता ने शादी के समय एक स्पीच दी थी और आनंद को पसंद करने के 10 कारण बताए थे। वो कारण बहुत ही मजेदार थे और मेरे डैड ने अंत में कहा था कि यही 10 चीजें उनके अंदर भी हैं। वो बिल्कुल सही थे। आनंद कई मामलों में मेरे पिता जैसे ही हैं। पति के बारे में बात करते हुए ईशा यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा, आनंद ग्रेट लाइफ पार्टनर कैसे हैं? ईशा ने कहा, मुझे उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और स्पिरिचुअलिटी बहुत पसंद है। ईशा ने बताया कि शादी के बाद भी उनका वर्क लाइफ बैलेंस बदला नहीं। ईशा के अनुसार इस समय काम हम दोनों की पहली प्राथमिकता है। अच्छी बात ये है कि हमारे पेरेंट्स इस बात को समझते हैं। मेरे मायके और ससुराल का वर्क एथिक एक जैसा है। हमारे परिवार के हर एक सदस्य को काम की उपयोगिता मालूम है। अपनी शादी के बारे में बात करते हुए ईशा ने कहा, शादी बहुत अच्छे से संपन्न हो गई। हर दुल्हन की तरह मेरे मन में भी थोड़ा डर था, लेकिन घर पर शादी करना बहुत स्पेशल अनुभव रहा। मेरे अपने जीवन के सबसे खूबसूरत लम्हों को उन लोगों के साथ बांटा जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। शादी के बाद ईशा और आनंद लगातार अपनी तस्वीरों को लेकर चर्चा में है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।